75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या हम आजाद हैं? ये मेरा एक विचार मैं आप सभी के साथ में बांटना चाहती हूँ। अपने आप की कुछ गुफ्तगू को आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। क्या हम आजाद हैं? 75 सालों के बाद अगर हम ये सवाल पूछते हैं तो हम आजाद नहीं हैं। हमने तकनीकी तौर पर बहुत तरक्की कर ली है। जीवन में महिलाएं घर से पंख लगाकर आसमान में उड़ ली हैं। पुरुष वर्ग बाहर के अलावा घर के काम भी करने लगा है। बच्चे बचपन में ही आर्थिक धन संपत्ति कमाने लगे हैं, बिना मतलब के किस्से जग में विख्यात होने लगे हैं। हम बैलगाड़ी से रॉकेट में उड़कर चांद पर जगह लेने लगे हैं। हम एक ही समय पर पूरे विश्व में एक कमरे में बैठकर सारे विश्व में प्रसारण करने लगे हैं, लेकिन फिर भी हम आजाद नहीं हैं। हम अपने छोटे से बिंदु मात्र अस्तित्व को ब्रह्मांड से भी विशाल समझते हैं। हमारी सहूलियत के लिए बनाई गई सारी चीजें, तकनीक, कानून, हम हमारे ही सर्वनाश के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम देश से हैं, देश की सेना की वजह से हैं, उनकी अनेक कुर्बानियों की वजह से हैं। हम राष्ट्र से हैं, हम समाज से हैं, हम अपने माता पिता से हैं। हम ये भूल जाते हैं। हम हमारे शहर, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र को भूल जाते हैं, लेकिन हमें अपने भूखे स्वार्थी स्वभाव और विचारों से हर एक तथ्य को अनदेखा करने की आदत हो गई है। स्व के आराम के और स्व के ऐश के लिए हम किसी को भी, किसी भी समय, किसी भी कारण, कभी भी, कहीं भी बेच सकते हैं। हमने अपनी आजादी को बेचा है, एक बार नहीं, बार बार बेचा है, और ये तब तक हम बेचेंगे जब तक हर एक उंगली अपने आप में एक मुट्ठी नहीं बन जाती, हर एक मुक्का भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं उठता, हर एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं थामता, तब तक ये केकड़ों की टोकरी कभी आजाद नहीं हो सकती। उड़ना है तो किसी भी जाल को एक साथ मिलकर उड़ा लो। देश को अपने कर्तव्य से, अपने प्रेम से, अपने समर्पण से उठा लो। यूं सालों की गुलामी, विदेशी नामों और कामों से एक बार हिम्मत कर छुड़ा लो। हम भारतीय सोने की चिड़िया के संतान हैं, ये विश्व को दिखा दो। विक्रमादित्य ने 500 वर्षों तक जो आने वाले राजाओं को सम्मान दिया था, उन ग्रंथों, उन शास्त्रों, उन नवरत्नों के ऊपर चढ़ी हुई मिट्टी को उड़ा दो। हमारे देश के बच्चों को भारतवर्ष क्या था वो समझा दो, और 25 वर्षों में 100 साल के सक्षम कामयाब देश की शान बढ़ा दो। देश का सम्मान बढ़ाकर 100 वर्षों में भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। मैं भारतीय हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ। अगर आप भी भारत है, भारत माता की संतान है, तो इसको अपनी जीवन शैली बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।